जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स के बारे में मालूम चल चुका है और बहुत अच्छे अच्छे टेक न्यूज है। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल रात को दोस्तों ओप्पो रेनो 6G 5G भी लॉन्च हो गया था और कल रात को ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मैं सब कुछ बता दिया था। नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके जाके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैं आपको दो तीन दिन से बताते हुए आ रहा हूँ कि पोको इंडिया पोको F3 GT का जोरों शोरों से प्रचार कर रहा है। तो आज कुछ नए इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं। पोको F3 GT दोस्तों आपको 30,000 से 31,000 रुपए के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। ऑफर से सब लगा दोगे तो आपको 25,000 रुपए के आसपास दिखाई दे देगा। समझ लो कि 25,000 से 30,000 की रेंज में ही लॉन्च होगा, ठीक है। एंड जो पोको F3 GT होगा उसका दो कलर आएगा, एक दोस्तों सिल्वर होगा, एक ब्लैक होगा। एंड हम लोगों को मालूम है यार कि रेडमी की 40 गेम इनहेंस एडिशन के भी दो ही कलर्स हैं, ब्लैक और सिल्वर। अगर आप और जानना चाहते हो पोको F3 GT के बारे में, वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया हूं, जल्दी जाके देखो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ऑनर की तरफ से। तो ऑनर का ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है अगस्त के 12 तारीख को। आई होप सो कि अगस्त के 12 तारीख को ही वो दोस्तों ऑनर मैजिक 3, जो ऑनर का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जो स्नैपड्रैगन 888+ के साथ आएगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, उसको अनाउंस कर दे। देखते हैं 12 तारीख को वो कुछ तो स्पेशल करेंगे ही, जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगले टेक न्यूज में दोस्तों जाने से पहले मैं एक नया चैनल क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है सुफियान शॉर्ट्स, जहाँ पर मैं रोमांटिक और फनी शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके विजिट कर लो एक बार, मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है हमारे प्यारे दुलारे नोकिया की तरफ से। तो नोकिया इंडिया ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है ट्विटर पे कि वो दोस्तों 27 जुलाई को अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे। एंड प्रॉबली वो एक रगेड स्मार्टफोन होगा, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं अब आपको अपने स्मार्टफोन्स में बैक कवर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों हिंट है कि वो एक रगेड स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे जो काफी मजबूत होगा। देखते हैं, बस प्राइस सही रख दो यार, तुमको जो देना है दे दो, जैसे स्पेक्स देना है दे दो, बस प्राइसिंग सही रख दो, हम लोग उसी से ही खुश हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। देखो यार, कल के टेक न्यूज में बोला था ना यार जल्दी से लॉन्च डेट बता दो रियलमी GT मास्टर एडिशन का। देखा मेरा ना, सब लोग बात सुनते हैं, एंड जैसे मैं ये बोल दिया आज लॉन्च डेट मालूम चल गया। मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत ही बेकार जोक था। तो रियलमी GT मास्टर एडिशन के जो भी दोस्तों स्मार्टफोन्स होंगे, चाहे मास्टर एडिशन हो चाहे मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन हो, ये दोनों स्मार्टफोन्स दोस्तों 21 जुलाई को लॉन्च हो जाएंगे चाइनीज मार्केट्स में। एंड रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोर जो एडिशन होगा उसका दोस्तों लाइव इमेज आ चुका है, देख सकते हो। फोन पे फोकस करना, ठीक है, फोन पे कान के पास देख सकते हो, मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है यार रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन। एंड जो कल दिखाया था ना वो रियलमी GT मास्टर एडिशन था। अब देखते हैं यार, अब थोड़ा दिन बचा है, सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट लुक भी आ चुका है, बस जल्दी से यार ये लॉन्च हो जाए, टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। अगला अपडेट आ रहा है Redmi 10 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Redmi 10 ऑफिशियली FCC सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। यहाँ पर आपको MIUI 12.5 देखने को मिलेगा। अब Redmi 10 आ रहा है तो Redmi 10 A भी आएगा, Redmi 10 Prime भी आएगा, Redmi 10 Power भी आएगा, और ना जाने कितने सारे आएंगे अभी Redmi 10 सीरीज में। आप एक्साइटेड हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आपको पक्का कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग ना ऐसा काम ही कर रहा है। आप तो जानते हो अभी दो तीन दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी F22 लॉन्च हुआ था इंडिया में, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। अब इसी का दोस्तों एक नया रिनेम वर्जन आने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M22। सैमसंग का आदत आप जानते हो, वो एफ सीरीज में जो स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा वापस से इसको दोस्तों एम सीरीज में लॉन्च करेगा, जो एम सीरीज में लॉन्च कर रहा है वापस से इसको ए सीरीज में लॉन्च कर देगा। तो वही चीज वापस से हो रहा है, सैमसंग गैलेक्सी M22 पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। प्राइस स्पेक्स सब कुछ मालूम चल चुका है, स्पेक्स वही रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। 6.4 इंच का HD+ सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा, 90Hz रिफ्रेश रेट, हीलियो G80, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 30 का सेल्फी, और यहाँ इसका प्राइस होगा 21,040 रुपए। अब इसको भी इंडिया में ये लॉन्च बहुत ही जल्द कर देंगे। एंड यार कुछ समझ नहीं आता है, सेंस नहीं बनता है, वही स्मार्टफोन है बस नाम चेंज है, क्या उससे फायदा क्या होता है? स्टॉक्स क्लियर होते हैं, ये तो मालूम है स्टॉक्स क्लियर हो जाएंगे नए नाम के साथ, लेकिन क्या जरूरत है यार, कंफ्यूजन क्रिएट होता है इससे।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo S10 Pro की तरफ से। आज दोस्तों ये 10 सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है एंड कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर आपको डेमेंसिटी 1100 ही मिलेगा। और टेंशन मत लो, कल ये रिलीज हो जा रहा है चाइना में, तो मैं कल वीडियो बनाऊंगा, स्टे ट्यून करिएगा। और या चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus Nord 2 की तरफ से। इसका प्राइस बाहर आ चुका है, जल्दी से आपको प्राइस बताता हूँ। 8+128GB आपको 31,999 रुपए का मिलेगा और 12/256 डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बीच में कोई 8/256 नहीं है। उसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 34,990 रुपए, 35,000 रुपए के आसपास वो लॉन्च होगा। तो आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड 22 तारीख ज्यादा दूर नहीं है यार, सब कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये कैसा प्राइस लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। फाइनली दोस्तों ओप्पो रेनो 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप दोस्तों ओप्पो रेनो 6, ओप्पो रेनो 6 प्रो या फिर ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। ओप्पो रेनो 6 का प्राइस है 29,990 रुपए, 8+128GB वाले वेरियंट का, और एक ही रैम वेरियंट है ये दोस्तों। 29 जुलाई से फ्लिपकार्ट पे सुबह 12 बजे सेल पे जाएगा, याद रखना सुबह 12 बजे फ्लिपकार्ट पे 29 जुलाई को। और Oppo Reno 6 Pro का भी एक ही रैम वेरिएंट है 12/256, जिसका प्राइस है 39,990 रुपए, 40,000 रुपए। एंड मैं जो प्राइस बताया था वही सच हुआ। एंड ये दोस्तों प्री ऑर्डर्स पे जा चुका है, आज ही से आप जाके इसको प्री ऑर्डर कर सकते हो। और इसका 20 तारीख को पहला सेल रहेगा, 20 तारीख को सुबह 12 बजे फ्लिपकार्ट पे। एंड जो मैं प्राइस बताया था वो सही था, मैं कहा था ना Oppo Reno 6 आपको 30,000 से 35,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा एंड Oppo Reno 6 Pro आपको 40,000 से 42,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा। मेरा बात हमेशा सच होता है, मैं सही प्राइस बताता हूँ, ठीक है। तो कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ, और आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप Oppo Reno 6 सीरीज का कौन सा स्मार्टफोन परचेज करोगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। अगला अपडेट आ रहा है माधव सेठ सर की तरफ से। तो माधव सेठ सर बहुत सारी चीज़ों को टीज करते रहते हैं। Realme GT मास्टर एडिशन भी इंडिया में आ रहा है, Realme GT भी इंडिया में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों Realme GT इंडिया में आएगा, दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगा, माधव सेठ सर ऑफिशियली कन्फर्म कर दिए थे। आज दोस्तों एक नया पोस्टर वो दोस्तों ट्विटर पर अपलोड किए हैं, जहाँ पर आपको मतलब कि अलग अलग शब्दों में 888 लिखे हुए दिखाई देंगे, कभी हिंदी में कभी स्पेनिश में। तो वो टीज कर रहे हैं कि Realme GT बहुत ही जल्द इंडिया में आएगा। एंड Realme GT ही इकलौता स्मार्टफोन है जो Realme का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है Snapdragon 888 के साथ। एंड वो दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगा, प्रॉबली आपको सितंबर या फिर दोस्तों अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे देगा। अगर आप Realme GT के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो बनाया था मैं 2 महीने पहले, ये चाइना में लॉन्च हुआ था, जाके देखो, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुनोगे तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे, लिटरली एकदम खुश हो जाओगे। Realme X9 सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, चाहे Realme X9, चाहे Realme X9 Pro, चाहे Realme X9 Max, जो भी स्मार्टफोन्स हैं वो सारे के सारे इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं, यानी कि Realme X9 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होंगे। अब कब लॉन्च होंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इंडिया में लॉन्च होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy A12 की तरफ से। इसका दोस्तों एक नया वेरिएंट आने वाला है, बस प्रोसेसर चेंज हो जाएगा, Exynos 850 वाला वेरिएंट आएगा जो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। अपडेट था, सोचा कि बता दूं आपको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy Watch 4 और Samsung Galaxy Watch 4 Classic की तरफ से। ये दो जो नए फ्लैगशिप स्मार्ट वॉचेस हैं आज Amazon कैलिफोर्निया में लिस्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल इमेजेस आ चुके हैं, देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले Watch 4 का देख लीजिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी प्रीमियम लुक दे देता है। एंड फिर Watch 4 Classic का भी देख लीजिए, सब धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ मैं। एंड वैसे ही तो अगस्त के 11 तारीख को लॉन्च हो ही जाएंगे एंड सब कुछ हम लोगों को मालूम चली जाएगा। आपको देखने में कैसे लग रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Y72 5G की तरफ से। ये दोस्तों जो स्मार्टफोन है ये कल लॉन्च हो जाएगा इंडिया में एंड इसका प्राइस बार आ चुका है 8+128GB, आपको 20,990 रुपए का देखने को मिलेगा। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, डेमेंसिटी 700 के साथ आ रहा है, इतना ज़्यादा प्राइस, ये ज़्यादा हो गया यार। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट अगर आप सुनोगे तो आप खुद ही बोलोगे इसका कोई सेंस बनता है। Redmi Note 10T का प्राइस बाहर आ चुका है, 4+128GB वाला जो वेरिएंट रहेगा वो दोस्तों आपको 14,999 रुपए का मिलेगा, 15,000 रुपए का। ऑलरेडी दोस्तों पोको M3 Pro 5G लॉन्च हो चुका है इससे कम प्राइस में और उसको Realme 8 5G कड़ी टक्कर दे रहा है। एंड दोस्तों Realme 8 5G ना, पोको M3 Pro 5G और ये जो Redmi Note 10T है, दोनों से अच्छे स्पेक्स आपको दे रहा है, उसको जाके परचेस करना, इसको देखना मत, ठीक है।
तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नया गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Oh, oh, oh.